मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कस्वा ने बीजेपी छोड़ने की वजह ही बताई है। राहुल कस्वा ने कहा है कि बीजेपी में सामंतवादी सोच हावी हो रही थी, किसानों की आवाज़ को अनसुना किया जा रहा था, इसलिए बीजेपी में सिर्फ एक ही नेता की चलती है, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है। किसान कौम परेशान थी, उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी, आवाज़ को दबाया जा रहा था, सामंतवादी लोगों की सोच आगे बढ़ती जा रही थी, किसान की आवाज़ को अनसुना किया जा रहा था। ऐसे अनेक मुद्दे थे जिन मुद्दों पर आज मैंने कांग्रेस पार्टी के परिवार का सदस्य बना हूँ, ये सब कल कांग्रेस ज्वाइन करते हुए राहुल कस्वा ने कहा है। मेरे लोकसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज़ को सुनते हुए मैं आज कांग्रेस का सदस्य बना हूँ। मैं खड़गे साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में रहकर गरीब की आवाज़ को, अपने लोकसभा क्षेत्र की आवाज़ को उठाता रहूँगा। बता दें कि राहुल कस्वा ने इशारों में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ पर भी जमकर निशाना साधा है। ये सभी जो बयान अभी हमने आपको सुनाए हैं, ये चूरू से सिटिंग सांसद राहुल कस्वा ने कल कांग्रेस ज्वाइन करते हुए कहा। तो वहीं राजेंद्र राठौड़ पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। इससे पहले भी राहुल कस्वा राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साध चुके हैं। कस्वा ने कहा था कि जो दूसरों को जयचंद बताते हैं वे खुद जयचंदों से घिरे हुए हैं। बता दें कि चूरू की तारानगर सीट से भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ विधानसभा चुनाव हार गए थे। चर्चा रही कि हार के पीछे सांसद राहुल कस्वा का हाथ है, इसी वजह से कस्वा की भाजपा ने अब टिकट काट दी है। अपना दर्द व्यक्त करते हुए सांसद राहुल कस्वा ने सभा में सवाल पूछते हुए कहा कि क्या उनकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत, समर्पण के बारे में कोई संदेह है? ये क्या कोई दगा किया है उन्होंने? आखिर मेरा क्या गुनाह था? क्या मैं निष्ठावान नहीं था? क्या मैं दागदार था? क्या मैं चूरू लोकसभा में काम करवाने में कोई मैंने कमी छोड़ी है? प्रधानमंत्री जी, सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं सबसे आगे था, और क्या चाहिए था? जब भी इस प्रश्न को मैंने पूछा, सभी निरुत्तर और निःशब्द रहे। कोई इसका उत्तर नहीं दे पा रहा है, शायद मेरे अपने ही मुझे बता पाएं। ये ट्वीट के जरिए राहुल कस्वा ने कहा है। लेकिन राहुल कस्वा ने अपना कदम है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ाया और कल 11 मार्च को राहुल कस्वा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।